कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये सिर्फ अपने परिवार का ही सोच सकती है। इन लोगों के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। आप इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। आप खुद देख रहे हैं, यहां यूपी में सपा को अपने परिवार के बाहर का एक भी यादव ऐसा नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके। यहां बदायूं हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, आजमगढ़ हो, फिरोजाबाद हो, सब जगह एक ही परिवार के सदस्यों को टिकट मिला है। ऐसे लोग हमेशा सिर्फ अपने परिवार का ही भला करेंगे। पीएम मोदी ने एक बार फिर परिवारवाद के हथियार से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर वार किया। प्रधानमंत्री यूपी के आंवला में चुनावी रैली कर रहे और उनकी रैली से कुछ ही देर पहले अखिलेश यादव ने कन्नौज से पर्चा दाखिल किया है। यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए, मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। तो समाजवादी पार्टी को बचाना है तो अखिलेश जी को आना ही पड़ेगा। और देखो, हार जीत कुछ भी हो, लेकिन कम से कम लड़ाई तो बराबर की हो। कन्नौज मैसेज देने जा रहा है, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सांप्रदायिक आतंकवाद माफियाओं के समर्थक चेहरे को हराने का। यूपी की लड़ाई नया मोड़ ले चुकी है। खबर है कि यूपी के दो लड़कों की जोड़ी ताल ठोकने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव पर्चा भर चुके हैं और सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी फिर से अमेठी से ताल ठोकेंगे। खबर ये भी है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से अपनी किस्मत आजमाएंगी। दूसरे फेज की वोटिंग के बाद दोनों के नाम तय हो सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि 1 मई को राहुल गांधी अमेठी से नामांकन करेंगे। हालांकि कांग्रेस अभी खुलकर इस बारे में कुछ नहीं कह रही है। निश्चित तौर से अब वो समय चीजें तय हो रही हैं और जब आएंगे तो आपको सबको जानकारी दे दी जाएगी। ये तय है अमेठी रायबरेली से प्रियंका और राहुल लड़ेंगे। बनारस भी तय है, अमेठी रायबरेली भी तय है। अब उनका विषय जाने, लगता वायरल में हार रहे हैं इसलिए हार रहे हैं, तो यहाँ भी हारेंगे। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कन्नौज से पर्चा दाखिल कर दिया है और कह रहे हैं कि सब आएंगे, यूपी में महफिल सजेगी। तो आ गए कन्नौज में आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं? अरे सब आएंगे, अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं। पूरा प्रदेश ही हॉट होते जा रहा है लगातार। समाजवादी पार्टी जब से पहले चरण का चुनाव हुआ है तो बहुत ही अच्छे नतीजों की तरफ संकेत है और कहीं ना कहीं घबराहट है भाजपा में। और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कन्नौज लड़ने से और ये घबराहट में इजाफा हो गया। खबर ये भी है कि अमेठी और रायबरेली में नामांकन से पहले राहुल और प्रियंका गांधी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। देखो प्रभु की लीला, ये वही राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा हैं जिनके परिवार ने देश के न्यायालय में ये दस्तावेज दे दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। अरे जो भगवान के साथ भी छल कर दे वो इंसान का क्या खाक हो पाएगा। राहुल गांधी जी भी जाएंगे निश्चित तौर से, कोई रोका है क्या या किसी से परमिशन लेके जाना है? जब इच्छा होगी बिल्कुल जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे और जय जय सियाराम होगा। वो दिल के अंदर बास करते हैं, इनकी तरह दिखावा नहीं है। हम लोग दिल से भगवान की प्रार्थना करते हैं। इस बीच विपक्ष की अनेकता में एकता वाले दावे को भी पीएम मोदी ने चुनावी हथियार बना दिया है। अब वो सीधे विपक्ष से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम पूछ रहे हैं और फिर फॉर्मूला बताकर इंडिया गठबंधन को घेर रहे हैं। आपको पता है वो किसको देना चाहते हैं? पता है किसी को? इसका जवाब ढूंढ रहे थे, जवाब मिल नहीं रहा था, लेकिन अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट में आया है कि मोदी बार बार पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन, जिसको किसको सुपुर्द करे। तो बोलते हैं उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, पांचवें साल पांचवा PM,
बताओ भाई क्या होगा देश का। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहावत कहकर के सो जाने वाला मुद्दा नहीं है। दूसरी ओर राहुल गांधी जनता से हिंदुस्तानियों की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ बीजेपी और आरएसएस जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और संविधान को नष्ट कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को और लोकतंत्र को बचा रही है। हमने क्रांतिकारी मैनिफेस्टो बनाया है, ये आपका मैनिफेस्टो है। कांग्रेस पार्टी ने बनाया है मगर आवाज आपकी है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, संविधान को बचाइए। कल दूसरे दौर का मतदान, जिसके बाद चुनाव की बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आएगी। ये साफ हो जाएगा कि अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या है। आज तक ब्यूरो।